हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी। तो उसके लिए हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर और उसमें हम डाल देंगे प्याज। हमने 3 प्याज लिया है, 300 ग्राम हमारा पनीर है और इनको हम छोटे टुकड़ों में नहीं काटेंगे, हमें ऐसे ही काटने हैं। और हमने 2 टमाटर 4 टुकड़ों में काट करके ले लिया है, इनको भी हम इसी में डाल देंगे। और हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल, 1/2 कप इसमें हम पानी डाल करके इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। तो इनको हमें 3 सीटी आने तक बॉयल करना है। तो 3 सीटी हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और प्रेशर कुकर को उतार देते हैं गैस पर से। और अब हम ले लेते हैं एक पैन और पैन को हम गर्म होने देते हैं। तो पैन हमारा गर्म हो गया है, अब इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल और इनको गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे पनीर और 2 से 3 मिनट तक हम इनको अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। हमें इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 2 से 3 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे तो ये हो जाएंगे। तो अब हमारे पनीर हो गए हैं, अब हम इनको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। और हम फिर से उसी पैन में शिमला मिर्च जो छोटे टुकड़ों में हमने काट करके रखा है, इनको भी इसमें 2 से 3 मिनट तक इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो अब शिमला मिर्च भी हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इनको भी मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ। और उसके बाद से फिर मैं इसी पैन में 2 से 3 चम्मच और तेल डाल दूंगी। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा 1/2 चम्मच। तो जीरा हमारा चटकने लगा है, अब इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। और इनको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे इनको। और उसके बाद से हम इसमें डाल देंगे जो प्याज और टमाटर को बॉयल करके रखा है। और हम इनके अब जो टमाटर के जो छिलके हैं इनको हम निकाल देंगे, ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं इसमें से। और इनको भी 2 से 3 मिनट तक चला करके भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे धनिया और जीरा का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच किचन किंग मसाला और 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच हमने ले लिया कश्मीरी लाल मिर्च। और इनको हम अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो मसाले अब हमारे हो गए हैं, ये तेल छोड़ने लगे हैं। अब इसी समय पर हम इसमें शिमला मिर्च को डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इनको भूनेंगे। तो इनको भूनते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे करीब 1/2 कप पानी और मसालों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारे मसाले और पानी मिक्स हो गए हैं, अब इसी समय पर हम डाल देंगे इसमें 1 कप और पानी और इनको भी मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे अब मसाले खौलने लगे हैं पानी के साथ में। तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और उसके बाद से हम इसमें डाल देंगे पनीर के टुकड़ों को।
उसके बाद से हमें 2 से 3 मिनट ही इनको पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इनको भी अच्छी तरह से चला लेंगे, सब्जियों में मिक्स कर लेंगे और इनको 1 मिनट तक ढक करके छोड़ देंगे। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारी सब्जी हो गई है लगभग। अब इसी समय पर मैं इसमें डाल दूंगी धनिया के पत्ते को और इनको भी अच्छी तरह से हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इनको हम ढक करके छोड़ देंगे ताकि धनिया की खुशबू इसमें आ जाए सब्जियों में। तो हमारे सब्जी देखिए कितनी अच्छी बन करके हो गई है तैयार। अब हम इनको सर्व कर देते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बन करके हो गई है तैयार। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों को मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।